कि एनसीपीआई सत्यापित नहीं हो रहा है। तो एनसीपीआई सत्यापित कैसे होगा? यदि वहां पर 24 से 48 घंटे बाद भी एनसीपीआई सत्यापित नहीं हो रहा है, ग्रीन टिक नहीं आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर में। और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि यूपी की स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे। मैं पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा और अपने इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आती है, किसी के में इनसफिशियंट बैलेंस लिख के आता है या कोई इरर आता है, तो उनको क्या करना है, किस तरीके से उनको स्कॉलरशिप प्राप्त होगी। मतलब मेरा पूरा लक्ष्य है कि आपको स्कॉलरशिप मिलना ही चाहिए। तो यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारे वीडियो ऐसे पब्लिक नहीं करता हूं। मैं कुछ वीडियो प्राइवेसी लगा के डालता हूं, जिन वीडियो को केवल वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ वीडियो को खो देंगे, आप वो वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का सिलसिला। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपको कौन सी वेबसाइट को लॉग इन करना है। तो ये वो वेबसाइट है जिसे आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले scholarshipup.gov.in आपको गूगल पर या कोई भी क्रोम ब्राउज़र में आप टाइप करके इंटर की प्रेस करेंगे तो आपका कुछ पेज ऐसा ओपन हो करके आ जाएगा। उस पेज के बाद में आप स्टूडेंट में जाएंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन, ये जो आपको रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके में कुछ ऐसा पेज ओपन हो करके आएगा। ये जो पेज ओपन हुआ है इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ओबीसी के लिए यहाँ पर, जनरल के लिए यहाँ पर, ऐसे आपको एससी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं और जो भी आपको फॉर्म भरना है, आपको पोस्ट मैट्रिक भरना है, प्री मैट्रिक भरना है या जो भी आपको फॉर्म भरना है, उस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर, उस कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, आप दूसरी कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय आप फंस जाएंगे, आपका गलत कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कैटेगरी सही चॉइस करनी है। तो आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत हैं उस कैटेगरी के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद पेज कुछ ऐसा ओपन हो करके आएगा, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे। इस फॉर्म को भरते समय आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस फॉर्म उसी विद्यालय से लीजिएगा। जैसे सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि आपको किस जिले का भरना है, आपने कानपुर नगर ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर आपसे बोल रहा है विद्यालय संस्थान का नाम, तो आप जिस विद्यालय से आप क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, आप जिस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, उस विद्यालय का नाम आप इस लिस्ट में ढूंढिएगा। विद्यालय का नाम आप गलत चॉइस नहीं करेंगे। अगर गलत चॉइस करेंगे तो जब आप फॉर्म फिलअप करके आप वहां पर जमा करने जाएंगे तो विद्यालय आपका फॉर्म प्रोसीड नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको सही विद्यालय चॉइस करना है। तो जो सही विद्यालय हो उस विद्यालय को आप चॉइस कर लीजिए। इसके बाद जाति व वर्ग का नाम, तो जो भी आप जिस जाति वर्ग से आते हैं, आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग ले लीजिए। यहाँ आप जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी हैं आप वहाँ पर आप चॉइस कर दीजिए। इसके बाद बोल रहा है छात्रा का नाम, छात्रा का नाम जो भी छात्र छात्रा का नाम है वो फिलअप कर दीजिएगा। मैं एक गर्ल्स का फॉर्म भर रहा हूँ इसलिए मैं इसमें छात्रा का नाम बोल रहा हूँ, तो जो भी नाम हो आप फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है मोबाइल नंबर, तो आप मोबाइल नंबर जो भी आधार में लिंक हो, आप विशेष ध्यान रखिए जो मोबाइल आधार में लिंक हो वो मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आप अपना कोई पासवर्ड बना लीजिएगा, जो पासवर्ड आपको याद रहे, क्योंकि इसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो उस पासवर्ड की आपको आवश्यकता पड़ेगी और इस बॉक्स में आप पुनः वही पासवर्ड डालेंगे कंफर्म करने के लिए कि आपने जो पासवर्ड डाला है वो आपको याद है। वेबसाइट ये चेक करना चाहती है कि कहीं आपने गलती से कोई गलत पासवर्ड तो नहीं डाल दिया, बाद में आप लॉगिन ना कर पाए, इसलिए कंफर्म करवाती है। इसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को यहाँ पर टाइप करने के बाद जनरेट ओटीपी वाली बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप जनरेट ओटीपी वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो ओटीपी आपके मोबाइल पर भेजी जाएगी, जो ओटीपी आपको इस वेबसाइट में डालनी है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ ये वही कैंडिडेट है जो फॉर्म फिलअप कर रहा है, जिसकी डिटेल डाली गई है, जिसका मोबाइल नंबर डाला गया है, ये वही कैंडिडेट है। फिर ये इस बॉक्स में आप वो ओटीपी डालेंगे, जो ओटीपी आपके मोबाइल पर, हो सकता थोड़ा सा समय
लग सकता है ओटीपी आने में, तो बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा कि ओटीपी नहीं आई है, मेरे मोबाइल में ओटीपी आ गई है, मैंने ओटीपी टाइप करके सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। मैंने इस बटन पर क्लिक कर दिया है। अब क्लिक करने के बाद में कुछ आपका पेज ऐसे ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैं ये आपको फिर से बता दूं कि मेरा उद्देश्य है कि आपकी स्कॉलरशिप आना ही चाहिए। यदि आपके स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के बाद कोई इरर आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको गाइड करूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा कि जिन लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आई है उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं कुछ वीडियो प्राइवेसी लगा के डालता हूँ, तो ये वीडियो वही लोग देख सकते हैं जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये रजिस्ट्रेशन हो गया है, इस रजिस्ट्रेशन को आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या अपने पास पीडीएफ बना करके आप सेव कर लीजिएगा, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन नंबर की आपको दोबारा से आवश्यकता पड़ेगी। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको आप पीडीएफ बनाकर या प्रिंट आउट करके अपने पास सुरक्षित कर लीजिएगा। इसके बाद आपको दोबारा से वही वेबसाइट टाइप करनी है अपने क्रोम ब्राउजर में या गूगल में, दोबारा से आपको वहाँ पर जाना है। आप होम से भी जा सकते हैं, होम पर क्लिक करेंगे तो दोबारा आप होम पेज पर चले जाएंगे, या मैंने एक नया टैब ओपन कर लिया है जिससे कि मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर वहां से मिल सके, तो मैंने एक नया टैब ओपन किया है, वहां पर फिर से वही वेबसाइट डाली है। इसके बाद आप स्टूडेंट वाले जो ऑप्शन पर जाएंगे, फिर फ्रेश लॉगिन करेंगे। आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, मैं फ्रेश फॉर्म भरना बता रहा हूँ। फिर आप जो भी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जिसके अंतर्गत आते हैं आप उस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो जब आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन हो करके आएगा। इसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने बताया था, मैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर टाइप कर दूंगा, और यहाँ से मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरे टैब में सुरक्षित किया था, तो मैं इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के बाद में नीचे लिखा हुआ है पासवर्ड, तो आपने जो पासवर्ड वहाँ जनरेट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद कैप्चा डाल के आप सबमिट करके इसको लॉगिन कर लेंगे। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें जिन लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आती है उन्हें क्या करना है, उनके में जो इरर आया है उसके लिए क्या करना है, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मैं कुछ वीडियो प्राइवेसी लगा करके डालता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद ये हमारा पेज लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्टेज हैं जिनको आपको फिल करके फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन के कर लिया है, अब रजिस्ट्रेशन के आगे इसको आप सबमिट करेंगे, उसके आगे की स्टेज पर आप जाएंगे। तो आपको जाना है डीजी लॉकर से सत्यापित करें, तो डीजी लॉकर को सत्यापित करना है। इसके लिए आपको डीजी लॉकर में एक आईडी बनानी पड़ेगी, जिस आईडी में आधार कार्ड वगैरह सब वेरीफाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको डीजी लॉकर की एक वेबसाइट तैयार करनी पड़ेगी, डीजी लॉकर में अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। यदि आप डीजी लॉकर में अपनी आईडी नहीं बना पा रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैंने पहले भी डीजी लॉकर में कैसे आईडी बनाते हैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, लेकिन वो नेक्स्ट चैनल में बनाया था, वो चैनल दूसरा था, तो मैं इसमें भी वो चैनल वीडियो पोस्ट करूंगा, एक नया वीडियो बना करके इसमें डालूंगा। तो आप इस तरीके से डीजी लॉकर में आईडी बनाएंगे। डीजी लॉकर में आईडी बनाने के बाद वही वाली जो डीजी लॉकर का मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहां पर डाल करके ओटीपी डाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है। इसके बाद यहाँ वेरीफाई डिटेल वाली बटन पर क्लिक करेंगे, तो जैसे हम वेरीफाई डिटेल वाली बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसीड होगा और वहाँ पर डीजी लॉकर से सत्यापित या डीजी लॉकर से वेरीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ग्रीन टिक लग जाएगा। इसके बाद में आपको जाना है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लीजिएगा, इसको आप अपनी डिटेल सारी डालनी है, बैंक डिटेल सब डालनी है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइए, उसमें आपका भाई है आपको रिप्लाई करने के लिए, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लीजिएगा और उसके बाद इसको जब आप फिलअप कर लेंगे, पूरी डिटेल आप डाल लेंगे, तो उसके नीचे आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता
रहा हूँ कि मैं आपकी स्कॉलर में स्टेप बाय स्टेप पूरी हेल्प करूँगा, आपको लास्ट तक स्कॉलरशिप में मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आप कैप्चा टाइप करेंगे, कैप्चा टाइप करने के बाद आप यहाँ पर टिक लगाएंगे और सबमिट वाली बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म भरे वाला ऑप्शन था वहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा यदि आपने सही फॉर्म फिलअप किया है। ये विंडो खुल करके आ गई। इसके बाद होम पर आप चले जाइए। जैसे आप होम पर जाएंगे आपने देखा कि वहाँ पर एक ग्रीन टिक लग गया है। इसके बाद आवेदन पत्र को संशोधित अभी करना नहीं है, अभी आपने फिलअप कर रहे हैं। फिर उसके बाद आय जाति प्रमाण पत्र को वेरीफाइड करना है। तो आय जाति प्रमाण पत्र को वेरीफाइड करने के लिए यहाँ पर आप आय प्रमाण पत्र जो भी आप क्रमांक संख्या होती है वो आय प्रमाण पत्र की क्रमांक संख्या डाल देंगे और नीचे आय प्रमाण पत्र क्रमांक डालेंगे, ऊपर आवेदन संख्या डालेंगे और नीचे क्रमांक डालेंगे। इसको फिल करने के बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को आप कैप्चा वाले बॉक्स में टाइप कर देंगे। तो इस तरीके से मैं जरा टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने आवेदन पर क्रमांक डाल दिया है और यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का क्रमांक मैं डाल दूंगा इस नीचे वाले बॉक्स में। और मैं यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का क्रमांक डालने के बाद कैप्चा मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। कैप्चा टाइप हो चुका है। इसके बाद गेट ये जो डाटा है गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर ओपन करके दिखा देगा। थोड़ा सा नेट वीक है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए क्योंकि सर्वर बिजी हो रहा है। इस डिटेल आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद वेरीफाई इनकम डिटेल आप वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे आप वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट यदि आप OBC या SC से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र की डिटेल वैसे ही टाइप करनी होगी जैसे आपने आय प्रमाण पत्र की डिटेल टाइप की। ऊपर आवेदन क्रमांक डालना होगा और नीचे जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र क्रमांक होगा वो आपको नीचे वाले बॉक्स में डालना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका एक कॉलम दिया हुआ है उपजाति, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है उपजाति। ये प्रमाण पत्र क्रमांक डाल ले जरा एक सेकंड। फिर यहाँ पर ये उपजाति, यहाँ पर जो भी उपजाति हो वो जाति प्रमाण पत्र में लिखी होती है, आप वहाँ से देख करके यहाँ पर वो उपजाति आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उपजाति आप गलत सिलेक्ट नहीं करेंगे नहीं तो आपका आवेदन कैंसिल हो जाएगा, आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से भरना है। जो भी आपके जाति प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है उपजाति वही जाति प्रमाण पत्र के उपजाति के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर उपजाति चॉइस करनी है। इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा टाइप कर देना है। कैप्चा टाइप करने के बाद गेट डाटा वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो गेट डाटा वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपकी डिटेल पूरी ओपन हो करके आ जाएगी। और ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये ओपन हो करके आ गई है। इसके बाद वेरीफाई कास्ट डिटेल वाली बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो जाति प्रमाण पत्र है वो वेरीफाइड हो जाएगा स्कॉलर के फॉर्म में। तो ये वेरीफाइड हो गया है, ग्रीन टिक लग गया है। आप ये ध्यान रखिएगा ग्रीन टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बोल रहा है कि प्रमाणीकरण हेतु आधार संख्या डालें, मतलब आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। तो आधार कार्ड को वेरीफाई करने वाली बटन पर आप जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। इसके बाद में आपसे बोल रहा है कि छात्र छात्रा का नाम, सबसे पहले ऊपर वाले बॉक्स में छात्र छात्रा का नाम बोल रहा है, फिर उसकी जन्मतिथि डालनी है और नीचे वही आधार कार्ड संख्या डालना है और उसके बगल में फिर से बोल रहा है कि दोबारा से आपको वेरीफाई करना है, मतलब वही आधार कार्ड संख्या दोबारा से फिर से डालना है। तो इसको डाल करके आपको कैप्चा डालना पड़ेगा और कैप्चा डाल के आपको वेरीफाई आधार वाली बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आ जाएगा प्रमाणीकरण सफल, मतलब आपका जो भी आधार कार्ड था वो सफलतापूर्वक वेरीफाइड हो गया है। इसके बाद में आपको होम पेज पर जाना होगा तो होम वाली बटन आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप होम पेज पर पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप होम पेज पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी आपका ग्रीन टिक लग चुका होगा। इसके बाद में जो ऑप्शन दे रहा है NCPI सत्यापन,
NCPI सत्यापन कैसे होगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप जब इतना फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो उससे 24 से 48 घंटे बाद NCPI सत्यापित हो जाएगा। लेकिन बहुत से फॉर्म में ये प्रॉब्लम आ रही है कि NCPI सत्यापित नहीं हो रहा है। तो NCPI सत्यापित कैसे होगा, यदि वहाँ पर 24 से 48 घंटे बाद भी NCPI सत्यापित नहीं हो रहा है, ग्रीन टिक नहीं आ रहा है, तो मैं उससे रिलेटेड एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको NCPI सत्यापित कैसे करना है। ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि NCPI सत्यापित कैसे होगा, बहुत से लोग NCPI सत्यापित नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप NCPI सत्यापित कर लेंगे, सब ज़्यादातर लोगों का 24 से 48 घंटे में सत्यापित हो रहा है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सत्यापित कर लेंगे तो जाँच हेतु आवेदन प्रिंट निकाल लीजिएगा, उसको आप अपने कॉलेज में जाँच करवा लीजिएगा। जब कॉलेज उसमें सब कुछ सही कर दे कि हाँ एवरीथिंग ओके, सब कुछ सही है, तो उसके बाद आप संस्था में जमा करने हैं तो प्रिंट निकाल करके आप संस्था में उसका प्रिंट जमा कर दीजिएगा। लेकिन अभी सवाल NCPI का है कि NCPI सत्यापित कैसे होगा, तो मैं NCPI से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जिन लोगों का NCPI सत्यापित नहीं हो रहा है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे NCPI सत्यापित करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि मैं कुछ वीडियो प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं, उसको वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूंगा। और यदि आपके स्कॉलर के फॉर्म में कोई इरर आ रहा है तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा। यदि आपके में इनसफिशियंट फंड आ रहा है या कोई भी इरर आ रहा है तो भी मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। आपको स्कॉलरशिप मिलना ही चाहिए, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपको स्कॉलरशिप दिलाऊं। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको स्कॉलरशिप मिले। तो जैसे कि आपको पहले से पता है कि जो पिछले साल जिन लोगों ने स्कॉलरशिप नहीं पाई, उनके फॉर्म में इरर आया था, मैंने उनकी मदद किया था, मैंने अपने दूसरे चैनल पर उससे रिलेटेड वीडियो बना करके डाला था, उनको गाइड किया था कि आपको क्या करना चाहिए, और उसमें से लगभग 90% लोगों की स्कॉलरशिप आ गई थी। उसमें कमेंट में उन लोगों ने रिप्लाई किया हुआ था कि मेरी स्कॉलरशिप आ गई है। तो आप लोग भी बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, आप लोगों को भी स्कॉलरशिप मिलेगी, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। बस आप स्टेप बाय स्टेप सही फॉर्म फिलअप करिएगा, आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही फॉर्म फिलअप करिएगा, मैं आपकी स्टेप बाय स्टेप मदद करता रहूँगा। जो भी इरर आएगा आप कमेंट करिएगा, यदि आपको रिप्लाई करके बताने योग्य है तो मैं उसको रिप्लाई करके बताऊंगा, और यदि उससे रिलेटेड वीडियो बनाने योग्य है तो मैं वीडियो बना करके आपको गाइड करूंगा कि आपको कैसे स्कॉलर प्राप्त करनी है, इस इरर के लिए आपको क्या करना है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ, NCPI से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो, जिससे आपको NCPI में प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।